बेस्ट बिरयानी। देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही है बिरयानी देखने में, तो सोचिए खाने में कितनी मस्त होगी। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं दानिश फूडी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कानपुर चिकन बिरयानी। गाइस हम लोग ने सारा सामान ले लिया है, अब इसको चिकन को मैरिनेट करना है और उसके बाद बिरयानी बनेगी। गाइस ये 1.5 किलो चिकन है, इसको क्लीन कर लिया है, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, और उसके बाद ये विनेगर है, विनेगर से इसको क्लीन कर लिया है। गाइस ये मसाले रखे हैं, ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, नमक, रेड मिर्च पाउडर, दही और फूड कलर। और गाइस ये चावल मैंने फुलो के रख दिए हैं, 2 किलो चावल। गाइस अब इसको पूरा हम लोग अब मैरिनेट करने जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग डाल रहे हैं दही, अब इसके बाद ये है गरम मसाला, अब इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, अब गाइस रेड चिली पाउडर इसको डाल रहे हैं, अब गाइस नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए जितना आपको खाना हो। अब ये हम डाल रहे हैं फूड कलर, ये कानपुर की बेस्ट बिरयानी होती है, कानपुर बिरयानी आप लोग ने सुना होगा, कानपुर की बहुत टेस्टी बिरयानी होती है। आज हम लोग वही बना रहे हैं, कानपुर बिरयानी कर रहे हैं। पूरा मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, सारे मसाले लग चुके हैं, अब इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब 1 घंटे बाद फिर आपसे मिलते हैं और आपको पूरा आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। और गाइस ये आपकी कानपुर की चिकन बिरयानी है, बेस्ट बिरयानी, आप देखिएगा कितनी अच्छी और कितनी ज़बरदस्त बनती है, खाने के बाद मज़ा ही आ जाएगी। ठीक है गाइस इसको रखते हैं, अब 1 घंटे बाद मिलते हैं आपसे। ठीक है गाइस, ओके गाइस इसको मैरिनेट रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, ये मैरिनेट हो चुका है पूरी तरीके से। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे, अब इसमें तेल डालते हैं इस क्योंकि इसको फ्राई करना है, फ्राई करने के लिए तेल डालते हैं। देखिए गाइस तेल डाल दिया है, तेल थोड़ा गर्म होने देंगे फिर उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। गाइस अब अपना तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें फ्राई के लिए चिकन डालते हैं क्योंकि फ्राई करने से गाइस इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है और बोटी इतनी क्रंची हो जाती है, स्पाइसी क्रंची, ओ भाई कतई जहर लगती है। अब ये गाइस देखिए फ्राई हो रहा है इस तरीके से, ये सारा चिकन फ्राई करना है हमको। फ्राई करने के बाद फिर इसकी अखनी बनेगी। गाइस ये मुर्गा फ्राई हो रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इसका टेक्सचर देखिए कितना मस्त आया है। जब ये गाइस मुर्गा पूरा फ्राई हो जाएगा फिर इसके बाद अखनी बनाएंगे। जो अखनी बनाएंगे तो आपको उसका भी प्रोसेस दिखाएंगे कैसे बनती है और कितनी उसमें तरीके की चीज़ें पड़ती हैं, कितने मसाले पड़ते हैं, क्या क्या पड़ता है, वो सब आपको दिखाएंगे। और गाइस आप इसको ट्राई कीजिएगा फिर आप बताइएगा ये कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। गाइस ये तो 100% है, आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको खाने में मज़ा ही आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे क्योंकि थोड़ी देर में चलाना पड़ता है इसके मारे, क्योंकि हम तुरंत चला देंगे जो इसमें थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ है वो छूट जाएगा, इसके मारे थोड़ा फ्राई होता है फिर उसके बाद चलाने से मसाला इसमें पूरी तरीके चिपक जाता है, फिर थोड़ी देर में चलाते हैं इसको। ये देखिए हम लोग का चिकन फ्राई होने वाला है,
पूरी तरीके से ये हो चुका है फ्राई, इसको निकाल लें बाहर। ये फ्राई हो चुका है, ये हम लोग का चिकन फ्राई हो चुका है। ये देखिए गाइस, चिकन फ्राई हो चुका है। इसको इसी तरीके से ये पूरा चिकन इसको फ्राई करना है अपनी कढ़ाई में। देखिए गाइस, इसी तरीके से पूरा चिकन फ्राई करना है। कितना मस्त लग रहा है यार, इसको ऐसे भी खा सकते हैं और बिरयानी बनेगी, बिरयानी भी खा सकते हैं। ये कानपुर की फेमस बिरयानी है। ठीक है गाइस, अब ये चिकन फ्राई हो जाता है पूरा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अखनी बनते हुए, इसकी अखनी कैसे बनती है। ओके गाइस, गाइस अब बनने जा रही है अपनी अखनी। ये 2 किलो चावल का मसाला है, ये देखिए प्याज है 3 पाव, और ये हरी मिर्च है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये गरम मसाला है, ये बिरयानी मसाला है, ये पीला मिर्चा है, ये सौंफ है, पिसी हुई सौंफ। और ये गाइस हम लोग ने पहले से हमने इसको भून के रख लिया है, प्याज को तल के रख लिया है। इसको बिरयानी बनने के बाद ऊपर से कूट के इसको छिड़केंगे। इसको छिड़कने से ये होगा, इस प्याज को डालने से ये होता है, सूंधापन आता है और टेस्टी बन जाती है बिरयानी। और गाइस इससे काफ़ी सूंधापन आ जाता है, खाने का टेस्ट ही अलग हो जाता है। गाइस ये अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, उसी फ्राई पैन में कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं ना साफ करने की। अब इसमें हम अपनी प्याज डालेंगे, ये प्याज को डाल के इस तरीके से चलाएंगे। ये तेल में प्याज डाल दी है अखनी बनाने के लिए। ये गाइस प्याज डाल चुके हैं तेल में, अब इसको थोड़ी पकने देंगे, हल्की सी सुनहरी टाइप की हो जाएगी, गोल्डन टाइप की। फिर इसमें सारे मसाले डालेंगे हम लोग। ये अखनी के लिए प्याज है, ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन होना स्टार्ट हो चुकी है। ये प्याज गोल्डन हो रही है धीरे धीरे, ये इसको पूरी तरीके से गोल्डन कर लेंगे। फिर इसमें सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए गाइस, ये देखिए प्याज हम लोग की गोल्डन हो चुकी है। थोड़ी और होए इसको फ्राई करेंगे, हल्का और गोल्डन करेंगे। और हम आपको एक बार और बता दे रहे हैं हम लोग क्या क्या मसाले डाल रहे हैं और कितने कितने डाल रहे हैं। ये हरे मिर्चे हैं, आप 10 से 12 ले सकते हैं, हमने भी 10 से 12 लिए हैं, और आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये 1 चम्मच पिसा गरम मसाला है, 2 चम्मच बिरयानी मसाला है, 2 चम्मच पीला मिर्चा है, 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ है। और ये देखिए, ये प्याज अपनी फ्राई हो चुकी है, फ्राई हुई रखी है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये चिकन हो चुका है फ्राई। प्याज गोल्डन हो चुकी है, अब इसमें हम डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे हल्का सा। अब इसमें डालना है 2 चम्मच पीले मिर्चे। अब 2 चम्मच बिरयानी मसाला। एक चम्मच पिसा गरम मसाला।
एक चम्मच कुटी हुई सौंफ, दस बारह मिर्चे हरे। अब इसको मिक्स करेंगे। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि तेल से टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें डालेंगे अपने स्वाद अनुसार नमक, जितना भी आप नमक खाते हैं वो अपने हिसाब से आप डालिएगा। मैंने दो चम्मच लिए हैं, देखिए एक चम्मच और दूसरा चम्मच, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। आप जितना खाते हैं, आप कम खाते हैं, हम लोग मीडियम खाते हैं, तो हम लोग ने अपने हिसाब से डाला है। इसको पूरी अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसका कलर देखिए, वाओ, ये इसको पूरी तरीके से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे चिकन फ्राई, जो चिकन फ्राई किया है अब इसको डालेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है। इसके पीसेस इतने अच्छे होंगे, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे हम लोग अखनी को। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको गैस को लो फ्लेम में कर देंगे और इसको धीरी आंच में पकने देंगे। ये देखिए धीरी आंच में पक रहा है। लो फ्लेम में इसको रख दिया है। ये धीरी आंच में पकेगा, जितना पकेगा उतना ही सोंदा होगा इसका। देखिए ये हमारी अखनी तैयार हो चुकी है। इसको मुश्किल से सारी चीज़ें डालने के 2 मिनट बाद इसको लो फ्लेम में कर देंगे, फिर 5 मिनट बाद इसको बंद कर देंगे गैस को। इस भगोने में पानी चढ़ा चुके हैं, काफ़ी बड़ा भगोना है। अब इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे और जब पानी खौल जाएगा तो आपका जो बिरयानी चावल होगा उसको आप डाल देंगे इसमें, ठीक है। हम अपने खड़े मसाले आपको दिखाते हैं क्या क्या डाल रहे हैं। ये देखिए, ये खड़ा गरम मसाला हम लोग ने ले लिया है। ये तेज़पत्ता है, जावित्री है, लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है। अब इसमें हम लोग डाल रहे हैं, ये देखिएगा, हमने ये खड़ा गरम मसाला डाल दिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 8-10 हरे मिर्चे ले लेंगे, वो डाल देंगे। अब ये हमारा पानी जब खौल जाएगा तो इसमें चावल डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालेंगे, ये देखिए, क्योंकि इससे चावल में चमक आती है और चावल शाइन करता है। हम लोग ने चावल फुलो दिया था, करीब 2 घंटे हो रहे हैं, 2 से ढाई घंटे
2 से 2.5 घंटे आपको चावल फुलाना है और उसके बाद आपको उबालना है। ये हमारी अखनी कंप्लीट रखी हुई है, चावल उबल जाएगा फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। गाइस अब हम लोग का पानी खौल चुका है, देखिए अब हम लोग का पानी खौल चुका है अच्छी तरीके से। अब इसमें चावल डालेंगे, एक साथ डालेंगे तो छिट्टे उठेंगी, इसके हमारे थोड़े थोड़े करके डालेंगे। कितनी अच्छी तरीके से पानी खौल चुका है। अब इसमें पूरे चावल डाल के चावल को बॉईल कर लेंगे, यानी एक कना आधा कच्चा आधा पक्का। फिर उसके बाद अब इसको चावल को चला देंगे थोड़ा नीचे को ऊपर, ऊपर के नीचे चावल कर देंगे चला के, और इसको अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे, यानी एक कना बॉईल होने देना है आधा कच्चा और आधा पक्का, यानी आप 75% बॉईल कर सकते हैं और उसके बाद अखनी में आपका हो जाएगा। चलो इसको ढक देते हैं, ये ढक चुका है और ये अपनी अखनी तो बनी हुई रखी है। वेट करते हैं इसका बॉईल होने के बाद, अब आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। चावल को करीब 15 मिनट बाद चला के उसको चेक कर लेना है, चावल गला है कितना, गला है कितना नहीं। अभी ये चावल चेक करते हैं, देखिए ये चावल अभी हल्का सा कच्चा है, थोड़ा और गल जाए एक मिनट इसको और रखेंगे, हल्का सा और हो जाए फिर उसके बाद इसको निकालेंगे। अब ये हमारा चावल हो चुका है, चावल को चावल का पानी निकाल लेंगे इस तरीके से, देखिए बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, भाप देखिए कितनी उड़ रही है। अब इस तरीके से इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। गाइस ये देखिए चावल हम लोग ने पसा लिया है अच्छी तरीके से, देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है यार। खाली इसका देखिए सिर्फ एक कना रखना है, एक कना, ये देखिए सिर्फ एक कना है, ना ज़्यादा कच्चा ना ज़्यादा पक्का। अब इसमें अखनी डालते हैं इस तरीके से, इसमें अखनी डालते हैं, देखिए अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। वाओ क्या महक आ रही है, स्माइल तो देखिए क्या ही स्माइल है, वाओ क्या महक आ रही है गाइस। ये बहुत ही अच्छी बिरयानी बनेगी जब बन के निकलेगी, तो आप इसको खाएंगे मज़ा ही आ जाएगी। इस रेसिपी को प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। निकाली थी हम लोग ने फ्राई करके, पहले आपको दिखाया था, उसको हाथ से मसल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये चावल पूरा मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से, देखिए गाइस अच्छी तरीके चावल मिक्स हो चुका है। अब इसको प्याज को डालेंगे, प्याज को डाल देंगे, अब इसको सही से मिक्स करेंगे, फिर इसका टेस्ट होगा। थोड़ा प्याज डालने से थोड़ा सोंधापन आ जाता है, ये देखिए हल्का सा इसको और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस सिर्फ कानपुर की बिरयानी है, बहुत ही मस्त होती है खाने में, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बिरयानी होती है कानपुर की, चिकन बिरयानी मटन बिरयानी वगैरह वगैरह, कानपुर की बिरयानी फेमस बिरयानी है, आप एक बार खाएंगे आपको मज़ा ही आ जाएगी। फाइनली गाइस हम लोग की बिरयानी मिक्स हो चुकी है, अब इसको
चूल्हा जला के यानी गैस जला के इसको लो फ्लेम में, पहले हाई फ्लेम करेंगे फिर थोड़ी देर में लो फ्लेम में इसको रख दी जाएगी। देखिए इसको गैस चूल्हे में रख दी गई है, अब थोड़ी देर इसको दम में लगाएंगे, फिर उसके बाद अब इसमें फूड कलर डालेंगे इस तरीके से, थोड़ा ही फूड कलर डालें, ज़्यादा अच्छा है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, मगर थोड़ा डालने से थोड़ा बिरयानी अच्छी दिखती है। ये फूड कलर इसमें पड़ चुका है गाइस, अब इसको हाई फ्लेम में थोड़ी देर चढ़ी रहने देंगे, फिर आपसे मिलते हैं 5 मिनट बाद। गाइस अपनी बिरयानी को हम लोग ने हाई फ्लेम में चढ़ा दिया है, इसमें फूड कलर भी डाल दिया है, अब हाई फ्लेम में चल रही है ये गैस, और अब आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको ये बिरयानी कैसी बनी है। अब ये देखिए गाइस 5 मिनट हो चुके हैं, इसको लो फ्लेम में कर दिया है, अब इसको आधे घंटे तक लो फ्लेम में रखेंगे, दम में लगी है ये, ठीक है गाइस, और जितनी ही दम में लगाएंगे, जितनी देर दम में लगाएंगे उतनी ही सौंधी बनती है, ठीक है गाइस। अब ये बिरयानी बनती है, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइस अपनी बिरयानी बन चुकी है और अभी इसको दम में लगी है, और इसको थोड़ा चला लेते हैं इस तरीके से, यानी थोड़ा मिक्स करना पड़ता है, फूड कलर भी डाला था मैंने इसलिए थोड़ा चलाना पड़ेगा, और नीचे ज़रा लग तो नहीं गई है, थोड़ा चेक करना पड़ता है, एक दो बार खाली चेक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, और बहुत ही हल्के हाथ से, क्योंकि चावल आपका टूटना नहीं चाहिए, ठीक है गाइस। इसको चला लिया है, ये फाइनली बन चुकी है गाइस, अब आपको प्लेट में सर्व करके दिखाते हैं कैसी बनी है। गाइस फाइनली अपनी बिरयानी कंप्लीट हो चुकी है, कानपुर की बेस्ट बिरयानी, देखिए गाइस कितनी अच्छी लग रही बिरयानी देखने में, तो सोचिए खाने में कितनी मस्त होगी। ये अपना रहता है, ठीक है, और ये अपनी सैलेड है बिरयानी के साथ, प्याज और खीरा, आप चाहें तो खीरा खा सकते हैं, नहीं तो प्याज ही खाली काफ़ी होती है, ठीक है। और ये बिरयानी देखिए कितनी ही अच्छी लग रही, इसको अब टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसी बनी है, इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। गाइस बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आया इसका, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छी बिरयानी है, बहुत ही बेहतरीन बिरयानी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा एक बार, देखिए बहुत बेहतरीन बिरयानी है, ठीक है गाइस। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपको बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके गाइस बाय बाय, और गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।